हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आईक्यू। और यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 5 तक भाई हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पूरा का पूरा कवर कर लिया था, और आई होप कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, और इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज, अभी जो हम लोगों ने सीखा है वो थ्री फेज में स्टेटर के अंदर कैसे वाइंडिंग करते हैं। अब इसी लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज स्टेटर के लिए भी बात कर लेंगे कि अगर आपके पास एक स्टेटर है 12 स्लॉट का, 24 स्लॉट का, तो उसमें हम लोग सिंगल फेज के लिए कैसे वाइंडिंग करेंगे। ओके, तो इस पे भी हम लोग आज बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के ऊपर। और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे थ्री फेज मशीन के लिए, और मशीन में कहने का मतलब रोटर और स्टेटर होता है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटर के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज डालते हैं भाई। देखिए अगेन मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि आप मार्केट गए हुए हैं और मार्केट से आपने एक स्टेटर खरीद के लाया है, राइट। और ये जो स्टेटर है अगेन 24 स्लॉट का मान लेते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें स्लॉट्स देख रहे हैं 24 डाला गया है। लेकिन मेरा यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा घूम गया, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टेटर में अगर बनाऊ तो ये मान लेते हैं आपका, तो थोड़ा सा हम लोग पतला करते हैं, काफी मोटा हो जा रहा है ये, मान लेते हैं आपका स्टेटर बन गया है, राइट। और इसमें हम लोग 24 स्लॉट दिखा देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ठीक है। यहां पे मैंने 24 स्लॉट्स दिखा दिए हैं। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा नेमिंग करते हैं। मान लेते हैं आपका स्लॉट नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 1 ये 24। ओके, 24 स्लॉट्स मैंने यहां पे दिखा दिए हैं। अब हम लोग क्योंकि यहां पे थ्री फेज का एक तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या कि मेरे पास अगेन R, Y, B ये तीन कॉइल होंगे। ओके, ये R के लिए हो गया, ये मान लेते हैं आपका Y के लिए हो गया, और ये मान लेते हैं आपका B के लिए हो गया। यानी हजार 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 टर्न का मेरे पास यहाँ पे तीन कॉइल है, R के लिए, Y के लिए, B के लिए। तो अब इसको हम लोग भाई, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पता होना चाहिए। तो अभी अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक काम पे या फिर कहिए किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप कितना एक तरीके से फोकस कर पा रहे हैं, आपका दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे अभी आप ये लेक्चर अगर एक तरीके से वॉच कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर पे हो, ब्लैक बोर्ड पे हो, या फिर कहिए आपके स्क्रीन के ऊपर हो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही जगह पे आपका पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एक तरीके से वहां पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मेरे पास 1000 टन का कंडक्टर है ना, सॉरी 1000 टन का एक तरीके से कॉइन, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखाऊं, 1000 टन का क्या मतलब होता है भाई, ये इस तरीके से 1000 बार लिखता हुआ है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि इसका ये स्टार्टिंग एंड है
और ये इसका एंडिंग एंड है, क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ पे टोटल कंडक्टर की बात करें तो इस साइड में मेरे पास 1000 कंडक्टर होगा, 1000 कंडक्टर, राइट, और इधर भी मेरे पास 1000 कंडक्टर होगा, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मेरे को इसमें प्लेस कर देना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग को पता है ये कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना है, इसको भी ध्यान रखते हुए बनाना है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए, कि आपका तीनों वाइंडिंग में मैकेनिकल एंगल भी यानी फिजिकल एंगल भी एक तरीके से 120 का होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल एंगल भी एक तरीके से 120 होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1000 का 1000 कंडक्टर है ना, जैसे देखिए ये अपने आप में एक सिंगल कॉइल है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इस कॉइल को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगेन पता है फुल पिच कॉइल कर रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए अगर इधर मेरा एक कंडक्टर ए है और इधर मेरा अगर ए डैश है, तो सीधी सी बात है अगर ए को, ध्यान समझ, ए को ये पूरा का पूरा 1000 का 1000 कंडक्टर मैं क्या कर रहा हूँ स्लॉट नंबर 1 में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया ए 1 को, तो सीधी सी बात है या फिर A1 A2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, ओके, क्योंकि हम लोग का तो एक ही कॉइल है, वही रहने देते। एक अगर मैं स्लॉट नंबर 1 में डाला है तो A डैश को हम लोग कहाँ डालेंगे, क्योंकि A से A डैश के बीच में हम लोग का 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए फुल पिच कॉइल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो पोल के लिए समझ रहे हैं, अभी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दो पोल के लिए चल रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दो पोल में आपका जो मैकेनिकल डिग्री होता है और जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है ये दोनों बराबर होता है, सही बात है, कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर हुआ। तो हम लोग को पता है 180 इसके बीच में क्या पिन रखना है, ओके, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्लॉट्स के टर्म में। अगर आप एक चक्कर लगाएंगे भाई, यानी कितना 24 स्लॉट मिलेगा ना एक चक्कर लगाने पे, और एक चक्कर लगाएंगे तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मिलेगा, सही बात है भाई, 24 स्लॉट एक चक्कर लगाने पे आपको मैकेनिकल डिग्री भी 160 मिलेगा, 360 मिलेगा और इलेक्ट्रिकल डिग्री भी 360 मिलेगा, राइट। तो वही लिख दिया मैंने, 360 डिग्री मिलेगा जब हम लोग 24 स्लॉट मतलब 1 से लेकर के फिर से वापस 1 तक पहुंचेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 360, हम लोग को निकालना है यहाँ पे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुल पिच कॉइल कर रहे हैं, तो स्लॉट्स के टर्म में काउंट करना चाहते हैं हम लोग कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए कितना स्लॉट्स का गैपिंग होना चाहिए, ओके। तो इसको आप काट लेंगे 2 से और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, यानी 12 स्लॉट का गैपिंग होना चाहिए। 12 स्लॉट का गैपिंग करते हैं आपका क्या हो जाएगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग 120 वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब आर फेज को करने के बाद वाई फेज पे आएंगे तो 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का हम लोग को स्लॉट में चाहिए ना डिस्टेंस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 360 गुना ये हो जाएगा यहाँ पे 180 की जगह यहाँ पे 120 हो जाएगा, 12 36 और ये हो जाएगा 8 स्लॉट, क्लियर हुआ। यानी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 12 स्लॉट और 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 8 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग वापस से अपने वाइंडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अभी हम लोगों ने अगर ए को इसमें डाल दिया है तो ए डैश कहाँ होगा, 12 स्लॉट के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, इसमें आ जाएगा आपका A1 डैश मतलब A डैश, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉइल का कहानी खत्म, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, 1000 का 1000 कंडक्टर इसमें डाला है और वो पीछे से ऐसे घुस करके कनेक्ट होकर के फिर यहां से आपका पूरा का पूरा 1000 कंडक्टर वो वाला निकल गया है, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पूरे के पूरे वाइंडिंग को सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट में एक तरीके से डाल करके खत्म कर दिया है, यानी इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, एक ही स्लॉट में पूरा का पूरा 1000 टन का कॉइल एक तरीके मतलब 2 स्लॉट्स के अंदर 1000 टन का कॉइल डाल दिया हम लोगों ने, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अब इसी तरीके से वाई को भी डालते हैं, लेकिन हम लोग को पता है भाई कि वाई को डालने के लिए हम लोग को 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, तो कितना 8 स्लॉट्स करना पड़ेगा, यानी यहां से काउंट करेंगे क्योंकि यहीं से हम लोगों ने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 7 8 8 स्लॉट छोड़ना है ना,
यानी इसमें आएगा आपका क्या, इसको मान लेते हैं बी है, तो इसका जो बी डैश होगा, बी डैश कहने का मतलब क्या, इसको मैं यहाँ पे कर लिया ना, ये बी है, ये हो जाएगा आपका बी डैश, तो इनके बीच में कितना, बी से बी डैश के बीच में कितना, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी 1200, एक दो तीन चार पाँच छ आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसमें आ जाएगा आपका बी डैश। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करता हूं। इसी तरीके से आपका जो लास्ट वाला फेज है, इसके लिए फिर से क्या चाहिए हम लोग को, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए। अगर हम लोग यहां से काउंट करेंगे तो 120 का, अगर हम लोग यहां से काउंट करेंगे तो 240 का। अगर स्लॉट्स में देखें, यहां से अगर आप चलिएगा लास्ट वाले फेज के लिए, तो हम लोग को 8×16 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, और यहां से चलिएगा तो 8 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो यहां से चलते हैं पहले, तो 16 गिनना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका C। तो C डैश कहां जाएगा, 180 यानी 12 स्लॉट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें आ जाएगा आपका C डैश। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, यानी तीनों वाइंडिंग को, तीनों कॉइल को, ठीक है, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, हम लोगों ने मात्र छह स्लॉट में पूरा का पूरा भर दिया। बाकी का जो बचा भाई, क्योंकि टोटल इसमें 24 स्लॉट थे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूं, देखिए। और अगेन इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग देखें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होता है, तो इधर वाला जो कैलकुलेशन था इसको पहले मैं मिटाता हूं ताकि हम लोग के पास स्पेस हो सके। देखिए देखिए भाई, हम लोग यहां पे अगेन थ्री फेज देंगे सप्लाई, राइट, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर वाले को भूल जाइए, पीछे वाले को उसको मैं मिटा ही देता हूं। देखिए अभी हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे बात करेंगे, हम लोग का टाइम का एक्सिस है और ये मैग्नीट्यूड बता रहा, करंट के लिए देख लेते हैं। तो इस एक्सिस पे अगर हम लोग देखें, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, इस एक्सिस पे अगर हम लोग देखें भाई, तो ये मान लेते हैं ये वाला जो फेज है ना, ये मान लेते हैं आपका R फेज है, ठीक है। तो R फेज क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, बाकी उस केस में Y और B जो है आपका नेगेटिव है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसमें देखते हैं, जो R था यहां पे, अगर फिर से मैं बनाऊं कॉइल, ये आपका R, ये आपका मान लेते हैं Y, और ये मान लेते हैं आपका B। तो क्योंकि R फेज में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे करंट ऊपर तो यहां पे नीचे, लेकिन ये सब नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर ऊपर दिखाया आपने, तो इसमें मैं नीचे दिखा देता हूं, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, अगेन ये नीचे और ये आपका ऊपर। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे नेमिंग कर देता हूं, ए है, ये आपका ए डैश है, ये बी है, ये आपका बी डैश है, ये सी है, ये आपका सी डैश है। हम लोग आते हैं अपने वाइंडिंग के ऊपर। देखिए सबसे पहले ए, ए को अगर मैं क्रॉस से दिखाऊं, देखिए इसको अगर मैं क्रॉस से दिखाता हूं, तो सीधी सी बात है ए डैश क्या होगा, डॉट से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि ए को मैंने क्रॉस से दिखाया है, तो जो बी वाला है इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस से यहां पर डॉट दिखाना पड़ेगा, अपोजिट है, और ये जो बी डैश है इसका, इसमें क्रॉस हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से आपका सी में भी डॉट और इसमें आपका क्रॉस, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट कैसे बनेगा, दो पोल का है ना,
अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, पूरे का पूरा क्या है, क्रॉस है, यानी ये एक अपना नॉर्थ पोल बनाएगा। और इधर जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा है, देख रहे हैं डॉट है पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा हिस्सा डॉट जो है आपका क्या करेगा, साउथ पोल बना लेगा। ठीक है, पोल का भी मैं बता देता हूं कैसे बनता है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ तो भाई कलर का ही इशू आ जाता है। ओके इस तरीके से, और इसमें भी उसी तरीके से बनेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओके, और इसमें भी उसी तरीके से, सब में करंट क्या है इस तरीके से अंदर तरफ है, इस तरीके से इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो सब ओवरऑल क्या हो जाएगा इधर तरफ आ जाएगा। फिर हुआ उसी तरीके से यहां पे देखिए डॉट है, बाहर तरफ निकल रहा है, तो इसको मैं एक ही बार में दिखा देता हूँ इस तरीके से बना करके। ओके, यानी ऐसे जा रहा है, यानी इधर आपका एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर आपका साउथ पोल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। हम लोगों ने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, पूरा का पूरा वाइंडिंग उठा करके दो स्लॉट में डाल दिया, इसको भी दो स्लॉट में, इसको भी दो स्लॉट में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, टर्म एंड कंडीशन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, कि हम लोग का 120 इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट होना चाहिए और मैकेनिकल फेज शिफ्ट भी होना चाहिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके, और अभी इसमें कुछ वैसा बचा नहीं भाई, यही सेम चीज जो है आपका फोर पोल के लिए भी हो जाएगा। तो फोर पोल पे भी हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है भाई कि यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा जो स्लॉट है वो खाली का खाली रह गया, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, यानी आपका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है स्टेटर का वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में नहीं होता है। अब दोनों में फर्दर क्या डिफरेंस है, कब हम लोग किसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो उसके लिए पूरा फिर आपको मशीन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पेड क्लासेस में जा सकते हैं। और अभी हम लोग क्योंकि वाइंडिंग पे बात कर रहे हैं तो उसको मैं लिमिट ही रखूंगा, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग के ऊपर बात करना है यहाँ पे। ओके ना, तो अब हम लोग फोर पोल के लिए थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग करना है, कहाँ करना है, तो स्टेटर पे करना है। किस टाइप का वाइंडिंग करना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके बुक में दिया हुआ है, और आपको लगे पता नहीं क्या दिया हुआ है, डर जाते हैं आप लोग। ओके, ये सब कुछ है नहीं। और इसमें कौन सा वाइंडिंग, तो फुल पिच वाइंडिंग करना है, फुल पिच वाइंडिंग, या फिर कहिए इसी को हम लोग कॉइल स्पैन भी बोलते हैं। कॉइल स्पैन, स्पैन का मतलब होता है दूरी, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम है सैग। ओके, सैग का कॉन्सेप्ट ना, सैग एंड टेंशन। तो क्या होता है, दो पोल, जैसे ये मान लेते हैं पोल ए है और ये मान लेते हैं पोल बी है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है इसको हम लोग स्पैन बोलते हैं, स्पैन, ठीक है, इसलिए कॉइल स्पैन पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से तार आपका कुछ ऐसे जाता है, इस तरीके से झुकते हो जाते हैं, इसी को तो सैग बोलते हैं। तो सैग कम से कम हो, तो दो पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये सब आपको एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया थ्री फेज, स्टेटर में वाइंडिंग करना है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करना है, फुल पिच चलेगा आपका। और पोल की बात करें यहाँ पे, तो पोल लिख लेते हैं हम लोग चार पोल। ओके, और यहाँ पे स्टेटर मान लेते हैं भाई 24 स्लॉट का स्टेटर है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, मेरे पास अगेन वो तीन वाइंडिंग है आर वाई बी, ये भी 1000 टर्न का, ये भी 1000 टर्न का, और ये भी आपका 1000 टर्न का, क्लियर। अब देखिए अभी ये हो जाएगा आपका ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। सबसे पहले हम लोग यहां पे चार पोल बनाना है भाई, ठीक है, तो चार पोल बनाना है
इसके लिए भाई थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट आप रुकिए सिर्फ। देखिए अभी हम लोग जो 4 पोल के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना भाई, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, खासकर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए। यहां पे मैं आपको एक लाइन लिख करके समझाता हूं। देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये जो है कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए चलता है। ओके, यानी अगर हम लोग थोड़ा सा एक नया डायग्राम देखें, थोड़ा सा एक डायग्राम मैं इंपोर्ट करता हूं, देखिए इस वाले डायग्राम पे आते हैं। ये जो आपका डायग्राम दिखाया गया है यहां पे, ये एक तरीके से भाई देख रहा है, ये प्रोजेक्टेड पोल टाइप है, यानी ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इसमें अगर हम लोग स्लॉट्स की बात करें तो इसमें होल्स नहीं किए हुए एक तरीके से, इसमें जो हम लोग वाइंडिंग लपेटेंगे ये यहां पे लपेटा जाता है वाइंडिंग। क्लियर हुआ? थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग वाइंडिंग जो डालते हैं इसमें डालते हैं, यानी ये आपका एक तरीके से स्लॉट्स है। क्लियर हो रहा है? तो अभी जो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था कि नंबर ऑफ किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर में, यहां पे चल रहा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो अभी हम लोग नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करें तो एक स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, भाई यही तो स्लॉट है इसमें, समझ रहे बात को? तो टोटल कितने स्लॉट्स हैं यहां पे, 4 स्लॉट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ होल्स, किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे 4 ही स्लॉट दिखाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, तो आप मात्र यहां पे 4 पोल बना सकते हैं। क्लियर हुआ? और यहां पे जो वाइंडिंग होगा, जैसे अभी हम लोग 3 फेज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंगल फेज पहले समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग जो होता है हम लोग 3 फेज में नहीं यूज करते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 3 फेज में ज्यादातर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्यादातर क्या आपका 99% जो होता है आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चलता है आपका। तो यहाँ पे जैसे अगर सिंगल फेज की बात करें, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है भाई, ओके ये मान लेते हैं क्वाइल है 1000 टर्न का, तो इसको मैं क्या करूंगा, इससे अगर मेरे को 4 पोल बनाना है तो ओवरऑल यहां पे कहिए, यहां पे पहले हम लोग तार लपेटेंगे। क्लियर हुआ? ये तार फिर यहां से जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इससे निकलेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर यहां से निकलेगा, ओके फिर यहां से, और फिर ये यहां से निकल करके ये दोनों तार आपका बाहर आ जाएगा। और इसमें हम लोग ओरिएंटेशन को इस तरीके से रखेंगे, जैसे करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना। क्लियर हुआ? तो मतलब यही है कि ओरिएंटेशन इस तरीके जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे जो करंट है ये एक तरीके से अपोजिट होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए इसमें, इसमें फिर आपका ऊपर की तरफ, मतलब अल्टरनेट बनाना ना हम लोग को, यहाँ पे नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल बनना चाहिए हम लोग का। क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, क्योंकि जो भी यहाँ पे वाइंडिंग है 1000 टन का या फिर कहिए 500 टन का, ये पूरा क्या है, एक ही जगह पे लपेट दिया गया है। ओके, तो अगर अभी हम लोग 4 पोल के लिए, देखिए 4 पोल के लिए 3 फेज में वाइंडिंग करना चाहते हैं किस टाइप का, कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहां पे सीधी सी बात है भाई, आपको यहां पे इस तरीके का 4 स्लॉट डालना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। क्लियर हुआ? और इन चारों पे आपका तीनों वाइंडिंग आएगा, तीनों फेज का, ठीक है। अब कैसे बताऊं मैं, यहां पे दिक्कत होगा थोड़ा सा समझने में, लेकिन 2 पोल के लिए आपने देखा था ना कॉन्सेंट्रेटेड क्या मतलब होता है एक्चुअली। ओके, तो जैसे भाई हम लोग के पास यहाँ पे आर है, वाई है, बी है, ठीक
ठीक है, ये हम लोग का एक तरीके से 1000 टन का कॉइल है ना, तो इसके चलते चार पोल हम लोग को बनाना है ना, इसके चलते ये चार पोल बनाएगा, ये भी चार पोल बनाएगा, ये वाला फेज और ये वाला भी। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस 1000 टन वाले कॉइल को इसमें भी थोड़ा लपेटना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इसमें लपेटना पड़ेगा, कुछ इसमें लपेटना पड़ेगा, कुछ इसमें लपेटना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके चलते भी चार पोल बनेगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इस पे, थोड़ा इस पे, थोड़ा इस पे, थोड़ा इस तरीके से लपेट करके हम लोग फिर करेंगे, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वैसे भी ये जो आपका यहाँ पे गैपिंग है, जो स्लॉट्स है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लपेट नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एक तरीके से यहाँ पे घाट बना हुआ रहता है। ओके, तो ये आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, ये थ्री फेज में यूज ही नहीं होता, बहुत रेयर एक तरीके से है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं भाई, क्योंकि थ्री फेज का हम लोगों ने वाइंडिंग करना सीख लिया है, किसमें, स्टेटर में, राइट। अब हम लोग कहां आएंगे, थ्री फेज से सीधे सीधे आएंगे सिंगल फेज में, ठीक है। अब आपको पता है भाई कि सिंगल फेज क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सिंगल फेज कहने का मतलब आपके पास ये कुछ इस तरीके का कॉइल है, ओके, यहां पे मान लेता आपका रोटर रखा हुआ है, यहां पे स्पाइरल केज टाइप दिखा देता हूं मैं, तो इसमें जब आप अल्टरनेटिंग करंट देंगे, तो यहां पे जब आपका रोटर स्टैंड स्टील पे, तो कभी भी इसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही आपका नहीं जब होगा, तो सीधी सी बात है ये रोटर भी नहीं एक तरीके से घूमेगा, क्लियर हुआ। आप बोलिएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रोटर घूमता है, तो अभी वही है भाई कि पूरा पूरा ये इलेक्ट्रिकल मशीन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल ही, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं, वाइंडिंग चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए फिर आपको पूरा का पूरा मशीन पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो अभी मैं डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता होना चाहिए या फिर आपको पता है। तो अब हम लोग इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने में क्या करेंगे, यानी स्टैंड स्टील पे, सो सेल्फ स्टार्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक और वाइंडिंग डालना पड़ता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं। और ये दोनों को मैंने देख रहा है कैसे लगा रखा है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी, ओके। जैसे ही आप दो वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का मैकेनिकल एंगल और 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल है, क्योंकि ये फेज शिफ्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है, और एक बार जब ये घूमना स्टार्ट कर दिया तो इसको फिर हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और फिर आपका ओवरऑल, अब बोलिएगा फिर बाद में डिस्कनेक्ट करने के बाद ये मेन वाइंडिंग पे कैसे चलते रहता है, तो अगेन इसके लिए आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा पेड क्लासेस में इलेक्ट्रिकल मशीन में बच्चों की तरह समझाया हुआ है, तो आप मशीन ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग वाइंडिंग करेंगे, यानी अभी हम लोग का चल रहा है सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग, लेकिन लेकिन समझिए ये सिंगल फेज होता नहीं है, अंदर में क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है, ठीक है, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसलिए हम लोग सिंगल फेज ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे, टू फेज स्टेटर वाइंडिंग, क्लियर हुआ, टू फेज स्टेटर वाइंडिंग। और इसका कंडीशन क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब स्टार्ट बनाने के लिए एक तरीके से एक्स्ट्रा वाइंडिंग डाल रहे हैं, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, ताकि हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सके, ताकि हम लोग का यहाँ पे सब स्टार्ट बन सके। तो अभी कंडीशन क्या है, दो फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए, कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए और जो मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब फेज शिफ्ट होना चाहिए 90 डिग्री का, इलेक्ट्रिकल डिग्री भी और फिजिकल एंगल या फिर कहिए मैकेनिकल एंगल दोनों। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, देख अब अगेन यहाँ पे मेरे पास दो स्लॉट है, मतलब दो वाइंडिंग, एक को मान लेते आर है, एक को मान लेते वाई है, ये मेरा मान लेते हैं 1000 टन का है या फिर 500 टन का है, जो भी आप कह सकते हैं। अब इसको मेरे को क्या करना है, स्टेटर में एक तरीके से प्लेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज जैसे आप कूलर का मोटर कभी खोलिएगा, कूलर का मोटर देखिएगा, उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है भाई, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटेड का अपना एडवांटेज होता है, अब बोलिए क्या क्या एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो बता दिए पूरा पूरा स्टेटर का जो स्लॉट होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, ओके। और भी जो उसके हैं, तो आपको फिर पूरा का पूरा आपको अल्टरनेटर पढ़ना पड़ जाएगा, उसका EMF इक्वेशन इसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो क्लियर होगा। शॉर्ट पिच का भी अपना बेनिफिट होता है, लॉन्ग पिच का भी है, फुल पिच का भी है, कब हम लोग शॉर्ट पिच यूज करेंगे, कब हम लोग लॉन्ग पिच यूज करेंगे, ये सब कॉन्सेप्चुअल है भाई, ओके। तो अभी हम लोग अगेन एक स्टेटर बनाते हैं,
ये मान लेते हैं आपका स्टेटर है, ठीक है। और जिस तरीके से हमने थ्री फेज के लिए किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, कुछ नया नहीं है। तो अभी 12 स्लॉट भी ले सकते हैं, 24 स्लॉट भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। तो अभी मैं यहाँ पे 12 स्लॉट लेकर के चलता हूँ ताकि हम लोग का इजी हो सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए टोटल मेरे पास 12 स्लॉट्स हैं ये दोनों कॉइल को एक तरीके से प्लेस करने के लिए। लिखता हूं मैं, टू फेज के लिए मेरे पास टोटल 12 स्लॉट्स हैं, तो एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, 12 स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 स्लॉट्स। और यहाँ पे पोल की अगर बात करें तो 2 पोल के हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, ओके। तो सीधी सी बात है भाई, 6 स्लॉट मेरे पास आर फेज के लिए है और रिमेनिंग 6 स्लॉट जो होगा मेरा वाई स्लॉट्स के लिए होगा, मतलब वाई फेज के लिए होगा, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, देखिए भाई जो मेरा आर फेज है, आर फेज के लिए मेरे पास अगर 6 स्लॉट्स मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है मेरे को 3 कॉइल बनाना पड़ेगा, क्लियर हुआ। यानी ये जो आपका कॉइल है 1000 टर्न का, इसको मेरे को 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 1, 2, 3, ओके, इस तरीके से। अब क्योंकि हम लोग यहां पे नेमिंग कर लेते हैं ए, यानी A1, A1-A2, A2-A3, तो इससे तो फैमिली हो गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फुल पिच करना है, तो फुल पिच सीधी सी बात है A1 और A1 के बीच में कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 180 के लिए कैलकुलेट करते हैं। और सॉरी 180 नहीं होगा, ये टू फेज चल रहा है, तो 90 इलेक्ट्रिकल डी, देख क्लियर हो जाएगा आपका। अभी अगर मैं यहाँ पे फुल पिच कर रहा हूँ, देख कंफ्यूज मत होइए, अगर मैं फुल पिच कर रहा हूँ तो हमेशा A1 और A1 के बीच में तो 180 होना चाहिए, सही बात है, सही बात है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब मैं R से R को डालने के बाद जब मैं Y पे आऊंगा तो इनके बीच में कितना होना चाहिए, 90 का एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक बार 180 के लिए निकालना है और एक बार 90 के लिए निकाल रहा है। थ्री फेज में भी तो यही कर रहे थे ना, थ्री फेज में फुल पिच के लिए 180 कैलकुलेट कर रहे थे और वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने का कंडीशन क्या था कि 120 पे रखना पड़ता था, इसलिए हम लोग 120 निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस 90 पे निकालना पड़ेगा। तो पूरा जब एक चक्कर घूमेंगे यानी 12 स्लॉट, ठीक है, 12 स्लॉट, और क्योंकि 2 पोल का है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बनेगा यहाँ पे, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री बनेगा, राइट। इसको फ्लिप करके लिख देते हैं, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी 12 स्लॉट, तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब 12/360 मेरे को यहाँ पे निकालना है, एक बार 180 के लिए और एक बार मेरे को 90 के लिए, राइट। तो इसको हम लोग पहले काटते हैं 2 से और ये हो जाएगा 6 से, क्लियर हो गया। यानी 6 स्लॉट आप छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, 180 इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। और वही यहाँ पे 90 यानी 12/360, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका 4 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। यानी 3 स्लॉट जब आप छोड़िएगा तो आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ से वाइंडिंग करना। देखिए मैं अभी आर फेज पे काम कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग A1 को डालते हैं स्लॉट नंबर 1 में, ये हो गया मेरा A1, ठीक है। अब जो A1 होगा, A1 कहां होना चाहिए, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए कितना स्लॉट, 6 स्लॉट, तो काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहां पे हो जाएगा A1। उसी तरीके से आपका यहां पे अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम लोग जो 4 पोल के लिए बात कर रहे थे भाई, तो हम लोगों ने देखा था कि आर फेज अपना 4 पोल बना रहा था, वाई फेज भी अपना 4 पोल बना, लेकिन अभी हम लोग 2 फेज पे बात कर रहे हैं, मतलब 2 पोल पे बात कर रहे हैं, तो ये अपना 2 पोल बनाएगा, समझ रहे बात को, और ये भी अपना एक साथ 2 पोल बनाएगा, क्लियर हुआ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका 2 ही पोल बनना है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे टोटल कितने स्लॉट्स हैं,
आर फेज पे काम चल रहा है आपका, मेरे पास 6 स्लॉट है, ठीक है ठीक है। और आर फेज क्या करेगा, इटसेल्फ अपना दो पोल बनाएगा, यानी दो पोल बनाने के लिए मेरे पास कितना स्लॉट्स है, मात्र 6 स्लॉट्स है, ठीक है भाई। आर फेज के लिए मेरे पास टोटल 6 स्लॉट्स थे, क्लियर हुआ। और इन्हीं 6 स्लॉट्स के अंदर में मेरा दो पोल बनना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दो पोल के लिए मेरे पास 6 स्लॉट है, लिखता हूं दो पोल के लिए मेरे पास 6 स्लॉट्स हैं। तो एक पोल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, दो मतलब 6 बटा 2 यानी 3 स्लॉट्स, ठीक है 3 स्लॉट्स, समझ आया, मतलब 3 स्लॉट में मेरा एक पोल बनेगा। तो देखिए यहां पे मैंने A1 डाला है, तो A1 डैश इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो है मेरा A2 और A2 डैश, ये अगेन कहां होगा, इसमें आएगा, ठीक है ये हो जाएगा A2 और A2 डैश, जब 6 स्लॉट छोड़ के आप आइएगा तो यहां पे आ जाएगा A2 डैश, फिर यहां पे आ जाएगा A3। फिर से मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसका एक पोल बनाने के लिए 3 स्लॉट चाहिए, इसलिए मैंने इसको रेगुलर डालते चला गया, ठीक है। अगर मेरा दो यहां पे कुछ वैसा आता, 4 पोल का डिजाइन करते हैं तो मान लो सिर्फ दो ही स्लॉट में एक पोल बनता, तो यहीं पे रोक करके फिर हम लोग आगे चले जाते, क्लियर हुआ। तो A3 अगर यहां पे डाला हमने तो A3 डैश आपका इसमें आ जाएगा, तो ये एक अपना नॉर्थ पोल बना लेगा आर फेज, और ये अपना साउथ पोल बना लेगा। तो दो पोल बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए आर फेज के चलते, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं वाई के लिए। तो वाई भी हम लोग क्या होगा, इस तरीके से 3 कॉइल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी जगह कितना है, 6 स्लॉट है ना, 6 स्लॉट है, इसका मतलब क्या है, इसको मेरे को 3 कॉइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। और 3 कॉइल कहने का मतलब क्या है, टोटल 6 कंडक्टर, 3 कॉइल का मतलब हो गया भाई टोटल 6 कंडक्टर, ठीक है, और 6 स्लॉट में भर जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अभी हम लोग R से Y पे आ रहे हैं, तो 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट होना चाहिए, 90 डिग्री में मेरे को 3 स्लॉट छोड़ना होगा। तो काउंट करते हैं हम लोग, देखिए यहां से चलते 1 2 3, यानी यहां पे आ जाएगा आपका, यानी यहां पे आ जाएगा आपका B1। तो B1 डैश कितना भाई, B1 डैश कितना, अगर ये B1 है यहीं पे दिखा दो, अगर ये B1 है तो B1 डैश कितना 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी 6 स्लॉट की बात, यानी अगर इसमें B1 डाल दे तो 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे आ जाएगा आपका B1 डैश, क्लियर हुआ। उसी तरीके से क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 3 कॉइल है ना भाई, इसका 1 2 3, ये हो गया आपका B1, ये हो गया B1 डैश, ये हो जाएगा B2, ये वाला हो जाएगा B2 डैश, ये हो जाएगा आपका B3, ये हो जाएगा आपका B3 डैश, क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे आते हैं, तो B2 को डाला था यहाँ से नापते हैं 1 2 3, तीन क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का मेरे को यहाँ से रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका B2, तो 6 स्लॉट आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका B2 डैश। उसी तरीके से फिर यहाँ से 1 2 3, इसमें आ जाएगा B3 और 6 स्लॉट, यानी इसमें आ जाएगा आपका B3 डैश, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये अपना एक क्या करेगा, एक पोल बना लेगा, और ये अपना एक पोल बना लेगा, क्लियर हुआ। अब हम लोग करंट डालते हैं, ठीक है करंट डाल के देखते हैं, इसलिए पहले मिटा देता हूं मैं ताकि हम लोग का स्पेस हो जाए। और ये दो फेज है ना, तो 90 डिग्री का एक तरीके से फेज शिफ्ट चलेगा इसमें, क्योंकि दो फेज जो डालते हैं हम लोग उसमें 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो अभी मैं मान लेता हूं, एक मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और दूसरे को यहां पे, यहां से स्टार्ट करता हूं, 90 डिग्री का फेज से ऐसे ही तो चलता है इलेक्ट्रिकल साइकिल में, हाँ। तो अब हम लोग किसी एक फेज पे लेके चलते हैं, ओके तो जैसे मान लेते हैं हम लोग इस इंस्टेंट पे लेके चलते हैं भाई, ओके ना, इस इंस्टेंट पे जब आप लेकर चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओके तो देखिए कॉइल बनाते हैं हम लोग, ये हो गया मान लेते हैं आर फेज का, वाई फेज का भी नीचे में बना लेता हूं मैं, ओके दोनों आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, कहने का मतलब क्या है, इसमें ऊपर नीचे
ठीक है, इस तरीके से इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका भी ऊपर नीचे नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये था आपका A1, ये था आपका A1 डाल। तो ये A1 जो है ना, A1 इसमें अगर मैं क्रॉस दिखा रहा हूं तो सीधी सी बात है A1 में उनको डॉट दिखाना पड़ेगा, क्लियर हुआ। और वही चीज यहाँ पे, क्योंकि इसको ऊपर को मैंने यहाँ पे क्रॉस दिखाया था, इसमें भी क्रॉस और मतलब B1 में एक तरीके से क्रॉस और B1 में यहाँ पे डॉट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखिए आप, A1 B1 जहाँ रहेगा वहां पर क्रॉस और डैश वाला जो रहेगा वहां पर मेरे को डॉट दिखाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे ये मिल करके बनाता है अपना, तो देखिए A1 में क्रॉस दिखा देता हूं, क्रॉस क्रॉस, A2 में भी क्रॉस, A3 में भी क्रॉस, ठीक है, B1 में भी क्रॉस, B2 में भी क्रॉस, B3 में भी क्रॉस, क्लियर हुआ। अभी जो डैश वाला है इसमें डॉट दिखा देंगे, ये डॉट, ये डॉट, ओके। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, जितना क्रॉस है ना भाई ये सब मिल करके क्या हो जाएगा नॉर्थ, मतलब ये एक तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से भागेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है, यानी ऐसे, क्लियर हुआ। तो यहां पे इसका एक नॉर्थ बनेगा और यहां पे इसका एक साउथ बनेगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर आगे बढ़े, यानी जो सप्लाई हम लोगों ने दिया, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर यहां पे आते हैं भाई, इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं दोनों नेगेटिव हो गया है। दोनों नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, ये जो है क्रॉस था वो डॉट बन जाएगा आपका, और जो ये डॉट बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पहले क्रॉस था, अब ये जो डॉट था वो क्रॉस बन जाएगा। तो इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये पूरा का पूरा मेरा, अभी देख रहे हैं नॉर्थ मेरा यहां पे बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, और साउथ मेरा यहां पे है, अभी अगर ये पूरा का पूरा डॉट बन जाता है, यहां पे दिखा देता हूं ऐसे डॉट करके, और इधर पूरा का पूरा क्रॉस बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अभी ये ऐसे भाग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ पूरा भाग रहा है राइट, लेकिन अगर जैसी प्लट दीजिएगा तो ये यहाँ पे नॉर्थ पहुंच जाएगा और यहाँ पे साउथ पहुंच जाएगा, ठीक है, इतना घूम चुका है एक तरीके से, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया इसमें, ओके, ये ऐसे आ जाएगा, क्लियर हुआ। ये घूमता है इसलिए इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो मैंने डायरेक्ट इतना यहाँ से डायरेक्ट इतना ही नहीं 180 का दिखा दिया, इसलिए वहां पहुंच गया, बीच में भी ले सकता है, जैसे इस पॉइंट पे लीजिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे लीजिएगा, इस पॉइंट पे लीजिएगा, इस पॉइंट पे, तो बहुत सारे इसमें टाइम है ना, ये टाइम एक्सिस होता है एक तरीके से, ओके। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, ये रोटेट कर रहा है धीरे धीरे, ऐसे घूम रहा है। तो आई होप कि ये सिंगल फेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। और भाई अगर सिंगल फेज में, मतलब तो सिंगल फेज नहीं बोलते भाई इसको, टू फेज बोला जाता है, क्योंकि दो कॉइल हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ता है। वही अगर चार पोल के अगर हम लोग बनाए, यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चार पोल के लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे अगेन उसी तरीके से 12 स्लॉट में आपका चार पोल बनेगा या नहीं बनेगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 12 स्लॉट वाला लिया था ना स्टेटर, दो फेज है मेरे पास आर और वाई, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले देखिए दो फेज के लिए टोटल मेरे पास कितना स्पेस है 12 स्लॉट का, तो एक फेज के लिए देखें क्या हो जाए आपका 6 स्लॉट, ठीक है। अब देखिए 6 स्लॉट है, ये अपने आप में एक फेज है, तो ये अपना खुद का क्या करेगा चार पोल बनाएगा, और ये चार को कितने स्लॉट में बनना चाहिए 6 स्लॉट में बनना चाहिए, ठीक है, यानी चार स्लॉट बनाने के लिए, मान लो चार फेज है, चार पोल बनाने के लिए 6 स्लॉट है, तो एक पोल बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे को 6/4 यानी 3/2। तो अगेन देखिए तो ये फ्रैक्शन में आ गया, ऐसा मतलब क्या, यहाँ पे स्टेटर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, 12 स्लॉट वाले स्टेटर में आपका कभी भी चार पोल नहीं बनेगा, क्लियर हुआ, इसको हम लोग काट देंगे। यानी अब हम लोग चार पोल अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे 24 पे आना पड़ेगा, ठीक है, 16 पे ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट लेकर के चल रहे हैं भाई, 12, 24, 36 यही सब आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टेटर अभी हम लोग का चेंज हो रहा है, ये 12 स्लॉट से 24 स्लॉट पे ला रहे हैं इसको, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो फेज है, तो दो फेज के लिए मेरे पास 24 स्लॉट है, सही बात है,
टोटल 24 स्लॉट है, तो एक फेज के हिस्से में कितना आएगा 50% एरिया, कह दिया 12 स्लॉट आएगा एक फेज के लिए। तो अब ये जो एक फेज है ये अपने आप में क्या करेगा, चार पोल बनाएगा, तो चार पोल के लिए मेरे पास 12 स्लॉट है, तो एक पोल के लिए कितना हो जाएगा 12/4 यानी कितना 3 स्लॉट, यानी 3 स्लॉट में एक पोल बनेगा। क्लियर हुआ, 3 स्लॉट में एक पोल बनेगा आपका। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और क्योंकि ये चार पोल है, देखिए हम लोग यहाँ पे चाहिए ना फुल पिच करने के लिए 180 चाहिए इलेक्ट्रिकल डिग्री, राइट, क्योंकि वाइंडिंग को हम लोग फुल पिच कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, क्योंकि चार पोल बनाना चाहते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, पूरा पूरा एक चक्कर लगाइएगा तो कितना है 24 स्लॉट, तो 24 स्लॉट क्योंकि चार पोल है, तो चार पोल में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बनता है, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या करेंगे 360, जो कि मैकेनिकल डिग्री हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये चार पोल है तो इसे आधा कर लिए 2, यानी कितना हो जाएगा 720, ठीक है, मतलब 24 स्लॉट के लिए 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो फ्लिप करके लिखता हूं 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री मेरे को मिल रहा है 24 स्लॉट में, राइट, तो एक इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना हो जाएगा 24/720, मेरे को निकालना है यहां पे पहले 180 और फिर एक बार 90 पे, ठीक है, 180 हम लोग फुल पीच के लिए यूज करेंगे, 90 हम लोग को पता है ऑलरेडी मैंने फिट अगर लाना है इस फेज में तो करना पड़ता है तरीके से, ओके, और इसको हम लोग काट लेते हैं भाई, यानी कितना हो जाएगा इसको 6 से काटते हैं भाई, मतलब 6 स्लॉट, ठीक है, 6 स्लॉट आपको छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के आपका 180 इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा, और वही 90 के लिए चाहिए अगर आपको, तो 90 के लिए क्या करना पड़ेगा 24/720 × 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको हम लोग काट लेते हैं, ये हो जाएगा 8 बार में, उसके बाद इसको काट लेते हैं हम लोग 3 बार में, ओके, तो आपका 3 स्लॉट छोड़ना होगा तब जाकर के आपको क्या हो जाएगा 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपने कर लिया, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वाइंडिंग डिजाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं, और तो इसमें कुछ बचा नहीं, ये हो गया आपका स्टेटर, उसमें 24 स्लॉट दिखा दिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 हो गया, चौबीस हो गया, अब हमें याद करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तो मेरे पास 2 फेज था, आर वाई मेन कॉइल, मेन कॉइल हम लोग को पता है ये अपने आप में, जैसे देखिए टोटल 24 स्लॉट है ना, टोटल 24 स्लॉट है किसके लिए, एक फेज के लिए, तो एक मतलब आर फेज के लिए कितना होगा भाई, यहाँ पे दो चीजें, 2 फेज के लिए टोटल मेरे पास 24 स्लॉट है, राइट, और अभी बाहर में भाई बारिश हो रहा है तो थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, ओके ना, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो एक स्लॉट के आंसर में कितना आएगा 12 स्लॉट, मतलब आर फेज के लिए कितना स्पेस है 12 स्लॉट का स्पेस है, इसके लिए भी कितना है 12 स्लॉट का स्पेस है, हुआ, अब देखिए ये जो 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में कितना बनाएगा, चार पोल बनाएगा अपना, चार पोल लिखता हूं यहां पे मैं, सबसे पहले देखिए ये जो आपका आर फेज था इसके लिए टोटल 12 स्लॉट है, आर फेज के लिए 12 स्लॉट है, तो सीधी सी बात है भाई यहां पे मेरे को कॉइल कितना रखना पड़ेगा, 6 कॉइल रखना पड़ेगा, कॉइल संख्या जो है 6 कॉइल, यानी जो मेन कॉइल है तो 6 कॉइल में बराबर बराबर मेरे को बांटना पड़ेगा, उसी तरीके से इसके लिए भी मेरे को 6 कॉइल बनाना पड़ेगा बराबर, क्योंकि इसके लिए भी 12 स्लॉट है, फिर हुआ, तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग,
क्योंकि क्योंकि ये जो आर फेज है ये एक तरीके से भाई आर फेज के लिए मेरे पास 12 स्लॉट है, या फिर कहिए क्योंकि आर फेज अपना खुद का चार पोल बनाएगा तो चार पोल में कह सकते हैं 12 स्लॉट है, तो एक पोल में कितना हो जाएगा 12/4 यानी 3 स्लॉट मेरुआ, यानी 3 स्लॉट रेगुलर चलेगा आपका। थोड़ा सा भाई मैं विंडो बंद करता हूँ क्योंकि अगर काफी तेज बारिश हो रहा है। तो अभी देखिए हम लोग वाइंडिंग करना फेस करते हैं, इसको हम लोगों ने कितने कॉइल में ब्रेक किया, 6 कॉइल में है ना। तो कॉइल भी बना के दिखाई देता हूँ, एक दो तीन चार पांच और ये आपका 6। तो नेमिंग कैसे करेंगे, A1, A1-A2, A2-A3, A3-A4, A4-, ठीक है इस तरीके से आपका चलेगा पूरा पूरा। तो हम लोग यहां से करते हैं, देखिए अगर मैंने स्लॉट नंबर 1 में A1 डाला है तो A2 A1 कहां जाएगा, 6 स्लॉट के बाद, मतलब भाई 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना 6 स्लॉट करना पड़ेगा, पीछे कैलकुलेट किया ना हमने 1 2 3 4 5 6 इसमें आ जाएगा A1। इसी तरीके से A2 तो यहां पे आ जाएगा आपका A3 सॉरी A2 यहां पे आ जाएगा आपका A3 तो यहां पे हो जाएगा आपका A3। अब यहां पे पॉज कर देंगे, अब कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि एक पोल जो बनेगा किसके लिए, आर फेस का जो एक पोल बनेगा इसमें मात्र 3 स्लॉट का ही जगह है, ठीक है, इसलिए 3 स्लॉट भरते हम लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ये आपका एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये आपका साउथ पोल बन जाएगा, ठीक हुआ। लेकिन अभी तो दो ही पोल बने, अभी मेरे को दो पोल और बनाना है, साउथ से नॉर्थ का 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चेंज है ना, तो अगेन मेरे को कितना 6 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से चलते 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका A4। तो A4 कहाँ जाएगा, अगेन 6 स्लॉट क्योंकि हम लोग 180 इलेक्ट्रिकल 1 2 3 4 5 6 ये हो जाए A4। उसी तरीके से यहाँ से होते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें आ जाएगा आपका A5। तो A5 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ से काम करें 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका A6। तो A6 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हुआ, ये कहानी खत्म हो गई किसका, आर फेज के लिए। ये अपना एक पोल बना लिया, ये अपना एक पोल बना लिया, चार पोल बन गया कि नहीं बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वाई फेज को डालते हैं। तो वाई फेज क्योंकि आर से वाई पे जा रहे हैं, 90 डिग्री का फेज से होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और जिसको हम लोगों ने स्लॉट के टर्म में काउंट कर दिया 3 स्लॉट, तो 3 स्लॉट काउंट करते करते हैं यहाँ से, तो एक यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करना वाइंडिंग नंबर 1 2 3 है, इसमें आएगा आपका B1। तो B1 कहाँ आएगा, 6 स्लॉट के बाद, क्योंकि 40 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका B1। उसी तरीके से फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा B2। तो B2 आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा B3 यहाँ से कीजिएगा ना 1 2 3 तो B3 और B3 आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ये अपना एक पोल बना लिया और एक ये अपना बना लिया, 3-3 स्लॉट में एक एक पोल, मतलब दो पोल बन गया इसका। उसके बाद उसी तरीके से फिर देखिए यहाँ चलते हम लोग 1 2 3 4 5 6 क्योंकि दूसरे पोल में जा रहे तो 180 फुल पिच, भाई पोल पिच लेके चलना पड़ेगा ना हम लोग को, कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया B4। तो B4 का 6 स्लॉट के बाद 1 2 3 4 5 6 6 स्लॉट की फुल पिच कर रहे हैं हम लोग B4। उस तरीके से ये B5 हो जाएगा, ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B6 और ये हो जाएगा B6। ये हो गया पूरा का पूरा वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू फेज के लिए, या फिर कहिए इसे हम लोग सिंगल फेज भी बोलते हैं। तो अब इसमें वही आप 90 डिग्री वाला सप्लाई दे दीजिए, ओके, और किसी एक इंस्टेंट पे आप आकर के देख लीजिए आपके यहाँ पे चार पोल बन जाएगा, ठीक है, कुछ उसको बता ही देता हूँ मैं। इसमें देखिए क्या है, सब पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या कि A1 को अगर क्रॉस दिखा रहे हैं तो सीधी सी बात है B1 B2 B3 को भी क्रॉस दिखाना पड़ेगा, और ये जो डैश वाला है इसको हम लोग डॉट दिखा देंगे, इसको भी डॉट, इसको भी डॉट, इसको भी डॉट,
अगेन a4 a5 a6 भाई क्रॉस 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 ये हो जाए आपका डॉट 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 जोड़ लीजिए कितना पोल बना एक तो ये बन गया एक तो भाई ये वाला बना थोड़ा मोटा कर लेता हूं देखो ये वाला एक पोल फिर आपका यहां से लेके यहां तक एक पोल कलर चेंज करते हैं उसके बाद एक ये वाला पोल बना और एक आपका ये वाला पोल बना क्लियर हुआ कलर ही चेंज कर लेते भाई यहाँ पे कर लेते हैं इसको मारते हैं नॉर्थ बना ये साउथ बना ये नॉर्थ बना और ये साउथ बना तो चार पोल आपका बन चुका है इसको बोलते हैं सिंगल फेज वाइंडिंग तो आई होप ये पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे भाई कुछ नया चीज स्टार्ट करेंगे ओके स्टेटर का आपका ये पूरा पूरा खत्म हो गया